स्वागत करती हूँ डेस्टिन टू ट्रैवल चैनल में। मैं हूँ प्रणीता और मेरे साथ हैं डॉक्टर शेखर नायक। अरे शिवो, हाय, गुड मॉर्निंग। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है और बहुत दिनों के बाद हम लोग वीडियो बना रहे हैं, तो आपसे मिलने का बहुत दिनों बाद मौका मिल रहा है और आपके साथ घूमने का। और हम लोग नेपाल सभी पहुंचेंगे और हम लोगों का प्लान तो है नेपाल में बहुत सारी जगह कवर करने का, जैसे कि पोम्पेई जो कि एंशियंट सिटी है जो कि पूरा वॉल्केनो के इरप्शन में डिस्ट्रॉय हो गया था ऑलमोस्ट 2000 ईयर्स पहले। बहुत ही सुंदर सिटी थी। और साथ ही साथ हमारी इच्छा तो है कि अमाल्फी कोस्ट भी जाएं और वेसुवियस जो माउंटेन जिससे ये वॉल्केनो इरप्ट हुआ था उसके आसपास भी जाने का है। ये फ्रेकिया रोसा ट्रेन को एंजॉय कर रहे हैं जो कि वन ऑफ द फास्टेस्ट ट्रेन है इटली की, ऑलमोस्ट 300 किलोमीटर पर आवर इसकी मैक्सिमम स्पीड है और हम लोग देख रहे हैं कि कंसिस्टेंटली एटलीस्ट 100, 150 प्लस तो ये जा रही है। और आगे देखते हैं और कैप पहनने बहुत अच्छा। हाँ, तो आगे मिलते हैं नेपल्स में। इसी ट्रेन से हम पहुंचे हैं नेपल्स और अब ट्रेन को कहते हैं बाय। ये है नेपल्स एफ्रागोला स्टेशन। ये बहुत ही बड़ा स्टेशन है और बहुत सुंदर है। नेपल्स के साथ माइंड में आता है पिज़्ज़ा और अब मैं आपको लेकर चलती हूँ वर्ल्ड के ओल्डेस्ट पिज़्ज़ेरिया में, जहाँ का यमी पिज़्ज़ा हम टेस्ट करेंगे। ये बन रहा है पिज़्ज़ा। पिज़्ज़ा बेस के ऊपर इन्होंने स्प्रेड किया सॉस और अब इसमें वो डालेंगे खूब सारा ऑलिव ऑयल और चीज़ और बेसिल लीफ। और ये जा रहा है पिज़्ज़ा वुड फायर्ड ओवन के अंदर और ये पिज़्ज़ा बेक होने के बाद हमारी भी टेबल में आएगा। वेलकम फ्रेंड्स, ये जैसा आपने देखा पिज़्ज़ेरिया द मिशेल, ये वन ऑफ द ओल्डेस्ट पिज़्ज़ा प्लेसेस ना केवल नेपल्स का और इटली का बल्कि पूरे वर्ल्ड का है। 1870s में ये स्टार्ट हुआ था और यहाँ के ओनर जैसा नाम है मिशेल, उन्होंने ये आर्ट डेवलप किया, आर्ट को लर्न किया था और इनके बेटे भी जो है वो पिज़्ज़ा मास्टर थे, बहुत ही टॉप पिज़्ज़ा और पास्ता भी ये बनाते थे। और इन्होंने ये इतना सिंपल सा पिज़्ज़ेरिया शुरू किया जो आज वर्ल्ड वाइड में फेमस है और इसकी ब्रांचेज लंदन, एम्स्टर्डम से लेके US तक है। और आप देखिए इनका मेनू कितना सिंपल है, यहाँ सिर्फ 4 ही प्रकार के पिज़्ज़ा होते हैं और कोई भी ये नॉन वेजिटेरियन इंग्रेडिएंट्स नहीं यूज़ करते हैं। इनमें से 2 पिज़्ज़ा वेजिटेरियन होते हैं, मार्गरीटा और मरीटा, जिनमें कि चीज़ यूज़ होता है। और ये 2 मरीनारा और कोसाका, ये सिर्फ टोमेटो ओरिगेनो और ओलिव ऑयल इनके साथ बनते हैं। इनमें चीज़ मिनिमम, इसमें पेकोरिनो चीज़ यूज़ होता है, इसमें नहीं होता है। और ये दोनों का कॉम्बिनेशन है, मार्गरीटा और मरीनारा का। तो ये डिफरेंट 4 डिफरेंट पिज़्ज़ा से ये पिज़्ज़ेरिया बना हुआ है। यहाँ पर ईट प्रे लव मूवी की भी शूटिंग हुई है और जूलिया रॉबर्ट्स को पिज़्ज़ा खाते हुए दिखाया गया है उस पिक्चर में और उनकी फ़ोटो भी यहाँ पे लगाई गई है। ये एलिजाबेथ गिलबर्ट की बुक से ली गई पोयम है ईट प्रे लव और ये पोयम यहाँ के पिज़्ज़ा के बारे में ही है। और ये कुछ तस्वीरें, ये यहाँ के फाउंडर की तस्वीर और बाकी फोटोग्राफ्स यहाँ की हिस्ट्री के बारे में बताती हैं। तो फाइनली हमारा पिज़्ज़ा आ चुका है और शिवम भी बहुत एक्साइटेड है पिज़्ज़ा खाने के लिए, बार बार कह रहे हैं पिज़्ज़ा खाना है।
पिज़्ज़ा का क्रस्ट बहुत बेहतरीन है, इंडियन पिज़्ज़ा की तरह बहुत हार्ड नहीं है और खाने में ये बहुत ही सॉफ्ट था। चाहे कितने भी छुरी काटे दिए हों पर पिज़्ज़ा खाने का असली मज़ा तो हाथ से ही खाने में आता है, अपने प्योर इंडियन स्टाइल में। बहुत यम। इसमें बेसिक टेस्ट बसील लीव और टोमेटो का है जो कि बहुत यमी है और एनहेंस होके आ रहा है। बहुत टेस्टी। और ये पिज़्ज़ेरिया द मिशेल की ये लाइन है क्यों है ओल्डेस्ट पिज़्ज़ा ऑफ द वर्ल्ड और वन ऑफ द मोस्ट फेमस पिज़्ज़ाज, वन ऑफ द बेस्ट पिज़्ज़ाज इन इटली एंड वर्ल्ड। ये देख सकते हैं कि क्या क्यों है ये अभी इस टाइम पे। पूरा पीछे तक आप लोग देख सकते हैं, अभी 7:15 का टाइम हुआ है, ऑलमोस्ट 1 आवर 1.5 आवर तक भी लोग यहाँ वेट करने तैयार रहते हैं एक पिज़्ज़ा की स्लाइस, एक बाइट लेने के लिए भी। और टेक अवे के लिए भी उतनी लाइन आप देख सकते हैं अंदर बैठने के लिए। तो हम लोग काफ़ी लकी हैं कि हम लोग यहाँ अभी खा के निकल चुके हैं और ये मॉर्निंग 10 to night 11 तक ओपन रहता है। और आप देख सकते हैं टेक अवे के लिए तो क्यू रहती है और बैठने के लिए वहाँ पर काउंटर नंबर्स रहते हैं, सर्विस नंबर, तो आपको एक टोकन मिल जाता है और अगर आपका 50 नंबर का या 70 नंबर का टोकन है तो आप उतना टाइम एस्टिमेट करके आप नेपाल सिटी भी घूम के आ सकते हैं रिटर्न, और फिर यहाँ आप आके अपने नंबर पे आके बैठ सकते हैं टाइमली। तो बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस है, बहुत ही मिनिमलिस्टिक पिज़्ज़ा है, एकदम टोमेटो और मोज़रेला चीज़, ऑलमोस्ट वेगन ऑप्शंस भी इनके पास और वेजिटेरियन जस्ट, और बेसिल लीफ यूज़ करते हैं बस गार्निश करने के लिए, बहुत सिंपल ओलिव ऑयल थोड़ा सा, और एकदम ही एक्स्ट्रा ऑर्डनरी वुड फायर्ड पिज़्ज़ा एक मैजिक सा क्रिएट करते हैं यहाँ पर, जिसके लिए लोग वर्ल्ड वाइड से आते हैं। और इसकी ब्रांचेस भी अब वर्ल्ड वाइड में खुल रही हैं, लेकिन यहाँ के जैसा कुछ भी नहीं है। तो दिस इज़ वन ऑफ द बेस्ट पिज़्ज़ा प्लेसेस एंड हाईली रिकमेंडेड। तो वेलकम टू नेपल्स बीच, और हम लोग नेपल्स के सुंदर बीच के किनारे हैं और यहाँ पर बड़े नॉस्टैल्जिक फीलिंग हो रही है क्योंकि कुछ कुछ ये मुंबई के नरीमन पॉइंट जैसा फील हो रहा है और यहाँ बहुत ही ह्यूमिड वो फील हो रहा है यहाँ पर। और पीछे हमारे क्रूजेस दिख रही हैं, यहाँ से नेपल्स से पलेर्मो क्रूजेस जाती हैं, सिसिली के लिए क्रूजेस जाती हैं, और यहाँ से हमको पूरा नेपल्स का ऊपर व्यू दिख रहा है समुद्र के किनारे, बिल्कुल जैसा मुंबई में आपको लगता है मरीन ड्राइव नरीमन पॉइंट पर। यहाँ पर एक हिली सा रीजन और दिखाई दे रहा है और ऊपर चंद्रमा भी दिखाई दे रहा है, बहुत सुंदर, बहुत ही कलरफुल, बहुत ही ब्यूटीफुल इवनिंग है, बहुत सुंदर शाम है। और शिवम भी बहुत एंजॉय कर रहा है यहाँ। मम्मी को हाय बोल दो, मम्मी हाय, चाओ बोल दो, चाओ चाओ, इटालियन में चाओ बोलते हैं हेलो को। बीच पे असली मजा तो भुट्टा खाने का है, फिर चाहे वो इटली ही क्यों ना हो। तो आइए हम खाते हैं भुट्टा।
अब रात बहुत हो चुकी है, तो आज का सफर यहाँ पे खत्म करते हैं और कल फिर हम चलेंगे नेपल्स और उसके आसपास। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। बाय बाय, गुड नाइट।